गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह सुनते हैं। जो दशकों से लंबी समस्याएं थी कार्मिक समूहों के साथ, अभी 4 सितंबर 2021 को मेरी उपस्थिति में समझौता हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, तब समझौते की बहुत सारी शर्तों का पालन भी हो गया है और बोडो समूह के केडर का पुनर्वास करना, बोडो समूह के साथ समझौता करना और लगभग 427 पूर्व कैडरों के खिलाफ 274 मामले वापस लेकर आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। अब सपा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। नागालैंड, असम, मणिपुर, सशस्त्र विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सपा लागू था, लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अब सपा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है। एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए।